हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मिठाई जिसको आप रक्षाबंधन आने वाला है तो इसे आप ज़रूर बना सकते हैं, आपके भाइयों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही इंस्टेंट मिठाई है, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था 2 कप मूँगफली यानी पीनट्स। अब यहाँ पर मैंने मूँगफली को भूनना है, इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें सुनहरा रंग ना आ जाए और इससे अच्छी स्मेल ना आने लगे। जब इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी तब तक हमें इसे भूनना है। बट याद रहे कि आप इसे चलाते हुए भूने, अगर आप अगर रुक जाते हैं इस तरह से तो ये क्या होगा कि जलने लगेगा। तो ध्यान दें चलाते हुए भून लें। यहाँ देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, इसका छिलका उतार लिया है मैंने। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पाउडर तैयार करके अब मैंने कढ़ाई में इसको भूनना शुरू कर दिया है। कढ़ाई गर्म था तो ऑलरेडी मैं इसको भूनना शुरू कर दी हूँ। अब इसे तब तक भूनना है जब तक इसके कलर गुलाबी ना हो जाए। तो इसे चलाते हुए भूनिए क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो ये जल सकता है। तो देखिए गुलाबी हो चुका था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, मतलब कि मिल्क मेड, ये आप डाल सकते हैं इसमें। अब ये क्या होगा, इसे डाल रहे हैं तो इसमें चीनी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिल्क मेड में ऑलरेडी बहुत सी चीनी होती है। तो इसे तब तक इस तरह से चलाते हुए करना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे। तो यहाँ देखिए अब ये पैन छोड़ने लगा है, क्योंकि थोड़ा सा निकाल कर चेक कर लेते हैं कि ये अब जमने लायक है कि नहीं है। तो हम इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे और इसका बॉल बनाएंगे। तो ये देखिए ये बॉल बन जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये अब रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसको देखिए इस तरह से करना है, जैसे डो होता है उस तरह से। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें से थोड़ा सा एक लोई लिया जिसको मैंने सिलेंड्रिकल इस तरह से रोल करते करते मैं इसको लंबा कर रही हूँ। इसको एक स्टिक के तरह से इस तरह से लंबा कर लीजिए सिलेंड्रिकल शेप देते हुए। देखिए बहुत पतला करिएगा तो अच्छा लगेगा, इवनली इसको करिए ताकि मिठाई देखने में अच्छा लगे। अब देखिए क्या करना है, इसमें चांदी का परत लगा रही हूँ, ऑप्शनल है, देखने में अच्छा लगता है इसलिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको इवनली कट करेंगे, मतलब बराबर हिस्से में। तो देखिए एक कट किया फिर ऐसे ऐसे करके मैं सारी कट कर ली। और ये लीजिए मिठाई बनकर रेडी है, बहुत ही इंस्टेंट है, इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा और हलवाई से भी बहुत बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा। अब जान रहे हैं कोरोना का माहौल है, बाहर से क्यों सामान लाना, रक्षाबंधन आ ही रहा है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके भाइयों को भी पसंद आएगा और घर वाले भी पूछेंगे कि कैसे बनाया, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से इतनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।